नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आने वाले 10 दिन में जम्मू कश्मीर लद्दाख के मौसम का क्या रहेगा हाल, क्या इस से या ह्यूमिडिटी से हमें राहत मिलेगी, आइए जानते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सोनम लोटस जी से क्या कहते हैं वो। सर, जानना था कि आने वाले 10 दिन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मौसम का कैसा रहेगा हाल। देखिए, मौसम तो कंटिन्यूसली बिल्कुल हीट वेव यानी गर्मी चल रहा है, गर्मी बरकरार है। तो आज भी सीरियस हीट वेव चल रहा है जम्मू रीजन में, रात को भी काफी टेम्परेचर ज्यादा गया है। अगर मैं मिनिमम टेम्परेचर की ही बात करें तो आज जम्मू रीजन में काफी टेम्परेचर जो है जम्मू कश्मीर में बल्कि 5 से 6 डिग्री सेल्सियस मतलब एबो नॉर्मल चल रहे हैं। हीट वेव अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है जम्मू का, इवन मिनिमम टेम्परेचर कम से कम दर्ज है 20-24 डिग्री सेल्सियस है। तो ये ऐसा ही मौसम रहने का, लेकिन मानसून का भी जम्मू में तो अभी भी मानसून थोड़ा एक्टिव है। आज भी जम्मू कटरा में अच्छी बारिश हुआ है, कल भी हुआ है, कंटिन्यूली 2-3 दिन से अर्ली मॉर्निंग बारिश हो रहा है जी। तो कल परसों भी अर्ली मॉर्निंग बारिश का इम्कान है, लेकिन ओवरऑल जो है कोई ज्यादा बारिश का इम्कान नहीं है, गर्मी बरकरार रहेगा। सर, ये गर्मी कब तक बरकरार रहेगी और ये ह्यूमिडिटी का इस समय जो मौसम बना हुआ है इससे लोगों को कब निजात मिलेगी? लोगों को अभी तो निजात नहीं मिलेगा क्योंकि मानसून एक्टिव है। जम्मू रीजन में गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, तो जो अभी तकरीबन हफ्ता 10 दिन तक तो ऐसा ही गर्मी झेलना पड़ेगा लोगों को, ह्यूमिडिटी भी कम नहीं होगा। तो कश्मीर में हो सकता है कल थोड़ा सा लोगों को राहत मिल सकता है, बाकी कोई कहीं पे अभी एक हफ्ता तो गर्मी रहेगा जी। सर, तापमान में कितनी गिरावट रहेगी? गिरावट कहाँ होगा तापमान में, तो देखो कश्मीर में 24 श्रीनगर में 33-34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कर रहे हैं, हालांकि नॉर्मल से 5-6 डिग्री सेल्सियस है। कश्मीर में बढ़कर ज्यादा गर्मी है तो लोगों को ज्यादा राहत नहीं मिलेगा, ये कोई राहत का चांसेस बहुत कम है। तो इसी तरह जम्मू में भी देखो मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है 32-32 डिग्री सेल्सियस, हालांकि जम्मू में नॉर्मल है, जम्मू में ज्यादा है, तो लोगों को अभी राहत ज्यादा चांसेस कम है जी। तो सर, कुछ एडवाइजरी जो श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं? बिल्कुल एडवाइजरी है, गर्मी की वजह से लोगों को जैसे बुजुर्ग है, बच्चे है, दिन में अगर काम हो तो दिन में नहीं निकलना चाहिए, गर्मी की वजह से थकावट महसूस आता है जो कि आपके सेहत के लिए खतरा हो सकता है। तो जब आप बाहर जाएगा तो बिल्कुल ठंडा पानी पीना चाहिए, बिल्कुल फ्लूड आपके बॉडी हाइड्रेटेड रहना चाहिए। तो बाकी धूप भी ना निकले तो ज्यादा एक्सरसाइज ना करें अपने बॉडी को, खास करके गर्मी के टाइम में। लेकिन कोई ज्यादा जहाँ तक बारिश की सवाल है, बारिश का भी फोरकास्ट नहीं है, जम्मू रीजन में मॉर्निंग आवर्स में बारिश है जी। थैंक यू सर, हमें वेदर इंफॉर्मेशन देने के लिए धन्यवाद। वेलकम। जी ने बताया है कि आने वाले 10 से 15 दिन तक इस ह्यूमिडिटी से कहीं भी राहत मिलने नहीं वाली, मौसम में जो है जो बदलाव होने के चांसेस है वो 10 से 15 दिन के बाद है, और उमस या ह्यूमिडिटी से अभी किसी तरह की भी राहत आगे 10 दिन में देखने को कहीं नजर नहीं आ रही। इसी तरह की वेदर अपडेट्स के लिए जुड़ रही है ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।